हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का एक नया सब्जेक्ट जो कि है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको शॉर्ट वर्ड में NDDS भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में आज आप लोग का कम्प्लीट हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग 80%। पहले वाले लेक्चर में हम लोग 80% टोटल कवर कर देंगे इसी ही लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से। मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जितना कुछ दिया गया है इतना टोटल हम लोग यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। और अगले वाले लेक्चर में 20% जो आप लोग का बचा हुआ है वो है पॉलीमर्स। ठीक, तो अगले वाले लेक्चर में दोस्तों ये वाला पढ़ के दोनों हम लोग इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे दो लेक्चर में। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि ये सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब क्या होता है। मतलब नहीं पता रहेगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। नोवल का मतलब होता है दोस्तों न्यू। ड्रग को डिलीवरी करने का एक नया यहाँ पे आ गया है सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब नया तरीका आ गया है तो कोई पुराना भी तरीका होगा जो कि उसके द्वारा ही ये नया तरीका बनाया गया है ना। जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ बनता है तब दोबारा उसको मॉडिफाई करके उसका नया तरीका बनाया जाता है। देखते हैं, जैसे आप लोग कोई मूवी निकल रहा है तो फर्स्ट पार्ट आया, जैसे क्रिस मान लीजिए, पहले क्रिस आया, फिर क्रिस 2 आया, फिर क्रिस 3 आ गया। अब क्रिस 1 तो आया, ये क्रिस 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर देंगे। जैसे नया कोई आ गया मूवी, क्रिस 2 आ गया, अब क्रिस 1 को डिलीट नहीं कर देंगे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो ये डिलीवर करने का एक नया तरीका है, लेकिन इसके पहले भी कोई तरीका रहा होगा ना। ठीक, जो कि है अभी भी है। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या बात करेंगे। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली हमारे कितने टाइप के होते हैं, कितने सिस्टम इसमें होते हैं, तो इसमें दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहला जो हमारा है पुराने जमाने से चलते हुए अभी तक आ रहा है वो हमारा है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या हो गया? ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और दूसरा हमारा क्या आ गया? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS। तो ये मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल का मतलब हुआ दोस्तों कि प्राचीन, मतलब बहुत पहले से ये चले आ रहे हैं। जैसे कि बहुत पहले से क्या चले आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे आप लोग जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास आप लोग दवा लेने। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई पेशेंट आया इनके पास दवा लेने, अपनी सब कुछ दिक्कतें बताई, इन्होंने दवा लिख के दवा को दे दिया और बताया आपको ये दवा जो है एक बार सुबह में खाना है, एक बार दोपहर में खाना है, एक बार शाम को खाना है। ठीक, 3 टाइम आप लोगों को खाना है। ये पुराने तरीके से अभी तक चलते हुए आ रहा है। 3 टाइम हो गया या फिर 2 टाइम हो गया, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, ऐसे बना देते हैं। ठीक, ये बहुत पहले से ही चले आ रहा है कि दिन में 2 टैबलेट खाना है या फिर 3 टैबलेट आप लोगों को खाना है जो कि आपके शरीर में असर करे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लोग को आसान तरीके से समझाता हूँ। ये मान लीजिए कोई बीमारी हो गया है इतना बड़ा। ठीक, अब आपने 1 टैबलेट खाया तो ये इतना घट के कम हुआ। ठीक, फिर दोपहर को खाना है फिर इतना कम हुआ, फिर शाम को खाना है फिर इतना कम हुआ। जैसे बुखार का इतना टेम्परेचर हो गया, 1 टैबलेट खाया आपने पैरासीटामॉल, थोड़ा कम हुआ, फिर आपने खाया फिर कम हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस ये नहीं दवा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, फिर कम हुआ, फिर एक बार शाम को खाना है फिर थोड़ा सा कम हुआ। ऐसे आप लोग रेगुलर जो टाइमिंग बना हुआ है इसको खाते हैं तो ठीक होता चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 1 टैबलेट सुबह खाएँ लेकिन दोपहर वाला भूल गए, शाम को खा रहे हैं, या फिर आप लोग कहा गया है सुबह शाम खाने के लिए तो सुबह का भूल गए अब शाम को खा रहे हैं, तो वो उस तरीके से ठीक नहीं होता है। जो कि अच्छे तरीके से इसका एक टाइमिंग बना रहता है कि इसी डोज से खाएंगे तो ठीक होगा। तो ये हमारा जो सिस्टम होता है डेली का दवा खाने का जो टाइमिंग रहता है यही हमारा पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहा है। ये हमारा होता है ट्रेडिशनल सिस्टम।
ये क्या होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी आप लोग को जो दिखाऊंगा उसको देखते ही आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। नोट्स को दिखाऊंगा किस तरीके से लिखना है, अभी तो यहाँ पे समझा रहा हूँ बस, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है टेबलेट, डेली का टेबलेट खाना रहता है, एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम, ये सिस्टम जो हमारा बहुत पहले से ही चला आ रहा है ये दोस्तों हमारा होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये अब नोवल का मतलब क्या हो गया, नोवल का मतलब कुछ नया तरीका बनाया गया है जो कि आपको डेली डेली नहीं खाना पड़ेगा कि सुबह खाना है दोपहर को खाना है शाम को खाना है, इसमें कुछ एक ऐसा नया तरीका बनाया गया जिससे पेशेंट जो है जितना डोज खाने के लिए कहा जा रहा था इसमें भूल जा रहे थे, उतना खा नहीं पा रहे थे। तो इसमें कुछ ऐसा तरीका बनाया गया जिससे पेशेंट को एकदम अच्छे तरीके से असर करे, जैसे कि मान लीजिए एक टैबलेट ऐसा बनाया गया ये हमारा 24 घंटे तक पूरा अपना असर दिखाएगा, ठीक। या फिर ये टेबलेट कुछ इस तरीके से बनाया गया कि धीरे धीरे एक एक निकल करके डिजॉल्व होगा, ये हमारा एक महीने तक चलेगा, या फिर 15 दिन तक, या फिर एक सप्ताह में आपको एक बार खाना है। ऐसे बहुत सारे दवाओं के आप नाम सुने होंगे जो कि कहते हैं एक सप्ताह में केवल एक टैबलेट आपको खाना है, दो दिन में केवल आपको एक टैबलेट खाना है। बहुत सारे दवाएं आपने खाया भी होगा जो कि 24 घंटे में एक बार खाना है, मंथ में एक बार खाया जाता है, सप्ताह में एक बार खाया जाता है, कुछ इस तरीके से जो दवाएं बनाए गए हैं जो कि इतने दिन तक अपना असर बनाए रखते हैं, ये हमारे कुछ नए तरीके के दवा हैं जो कि जिसे बोलते हैं दोस्तों नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या होते हैं ये, अभी आप लोग को पूरा और भी समझ में आएगा जब बताऊंगा आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट का अपना नाम, आपका सब्जेक्ट क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में जो बताया हूँ आप लोग को वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम पहले जानेंगे तब जानेंगे नोवल क्या होता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब प्राचीन दिनों से बहुत पहले दिनों से जो चलता हुआ डिलीवरी सिस्टम आ रहा है, कैसे दिया जाता है कैसे खाया जाता है वो हमारा होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और नया हमारा तरीका आ गया है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इनको देखिए TDDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं और NDDS, तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन TDDS एंड NDDS, पढ़े रहेंगे तभी ना जानेंगे, नहीं तो सीधा सीधा स्टार्ट कर दिया अपना यूनिट पढ़ना, नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तब बात करते हैं हम लोग TDDS क्या होता है। TDDS का मतलब होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कई सालों से चला हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ये नहीं है कि बंद हो गया है, अभी भी ये नियम चल रहे हैं। जैसे कि इन्हें डेली एक टाइमिंग होता है लेने का, जैसे दिन में दो बार हो गए, दिन में एक बार हो गए, दिन में तीन बार हो गए, ऐसे मेडिसिन जो होते हैं डिजीज के किसी भी बीमारी के वो हमारा ट्रेडिशनल होता है। एग्जाम्पल जैसे हो गए सॉलिड लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सस्पेंशन हो गए, इमल्सन हो गए, सिरप हो गए, एरोसॉल हो गए, ये सब हमारे ट्रेडिशनल होते हैं। NDDS का मतलब क्या होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, देखिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए न्यू अप्रोच ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये ड्रग को डिलीवर करने का एक नया अप्रोच होता है दैट एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक। मॉडर्न मेडिसिन क्योर पार्टिकल्स डिजीज बाय द टारगेटिंग एग्जैक्टली अफेक्ट ऑफ द जोन ए पेशेंट बॉडी ट्रांसपोर्टिंग द ड्रग टू दैट एरिया, जैसे कि कुछ इस तरीके से दवाएं बन जाती हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक दवाएं अपना डिजॉल्व होंगी और जितने दिनों तक का ये लिमिटेशन रहेगा, जैसे एक सप्ताह के लिए ये बना हुआ है तो एक सप्ताह तक ये अपना असर दिखाएगा धीरे धीरे, ये नहीं कि खाएं और एक घंटे में पूरा का पूरा डिजॉल्व होकर के ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये एक वीक के लिए अगर बना है तो एक वीक तक अपना पूरा असर दिखाएगा और एक वीक के बाद ही ये अपना असर दिखाना ख़त्म करेगा, जितना दिन तक इसका टाइमिंग रहेगा उतना दिन तक ये अपना असर दिखाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेन पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ NDDS इज डिराइव फ्रॉम थ्री टाइप, तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके बाद सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और एक होता है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हो गए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में हमारा कौन सा टॉपिक सबसे पहला है, देखिए क्या है,
कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ड्रग को कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्री डिटरमाइंड रेट और दूसरा होता है प्री डिटरमाइंड टाइम। प्री डिटरमाइंड रेट में हमारा स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, और इसमें क्या होता है, कम होता है और ज़्यादा होता है, शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग होते हैं। तो बात करते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग लिखेंगे क्या। इट इंक्लूड एनी ड्रग, इसमें कोई भी ड्रग इन्वॉल्व होते हैं जो कि डिलीवरी किया जाता है। कहाँ से डिलीवरी किया जाता है, विच ड्रग इज डिलीवर एट द प्री डिटरमाइंड रेट फॉर द प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड। ओरल राउट इज प्री रिफर्ड राउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू, जैसे पेशेंट एसेप्टेंस हो गए, एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, उसके बाद एक्यूट जो डोजिंग हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो गए, इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। मेन बात आप लोग को याद रखना है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दो मेथड होते हैं, एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है और एक होता है प्री डिटरमाइंड टाइम। यही होते हैं ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल करने का सिस्टम। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको शॉर्ट वर्ड में CDDS भी कहा जाता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो इनमें कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से मेथड होता है, डाइल्यूशन कंट्रोल हो गए, डिफ्यूजन कंट्रोल हो गए, आयन एक्सचेंज हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, डाइसॉल्यूशन कंट्रोल में हमारा दोस्तों होता है इनकैप्सुलेशन मैट्रिक्स, ठीक, और डिफ्यूजन में क्या होते हैं हमारे, रिसर्वर हो गए और मैट्रिक्स हो गए। आयन एक्सचेंज में भी दो पार्ट होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये थोड़े से मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो जब PDF अपलोड करूँगा तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। और PDF कहाँ अपलोड होता है ये तो आप लोग को बात पता ही होगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर ओपन नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा जाइए टेलीग्राम में और वहाँ पर सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी और आसान तरीके से ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दो बातें पता चल गई हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के मेथड क्या होते हैं और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते क्या हैं, ठीक। इनमें कौन कौन से दो मेथड होते हैं जिनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ये बातें आप लोग को पता चल गई। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। कौन सा डिफिनीशन की बात करेंगे, आपके सिलेबस में डिफिनीशन के तौर पर बस यही लिखा गया है, टर्मिनोलॉजी डिफिनीशन। अब टर्मिनोलॉजी डिफिनीशन में हमारे बहुत सारे डिफिनीशन आते हैं, उनके एडवांटेज भी लिखना है, उनके डिसएडवांटेज भी लिखना है, किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके पूछ लेगा। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। तो पहले डिफिनीशन की बात करते हैं, फिर बात करेंगे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं, डिलेड रिलीज, ये क्या होते हैं। डिलेड रिलीज जो है दोस्तों, ये एक नया कॉन्सेप्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। इस सिस्टम में क्या होता है, जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पॉलीमर के पैकेट में, जो कि क्या होते हैं, कोटेड होते हैं विथ किसके साथ, स्पेसेट पॉलीमर के साथ, और वो हमारे बॉडी में सब कुछ जाते हैं छोटे छोटे पैकेट के, जो पॉलीमर का एक बना गया है टैबलेट, वो हमारे टैबलेट होगा या फिर कैप्सूल बना होगा, वो हमारे बॉडी में आएगा, ठीक। और बॉडी में आने के बाद सिंगल सिंगल एक एक पैकेट क्या होंगे, धीरे धीरे करके रिलीज होंगे और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते जाएंगे, एंड दे शो एक्शन एंड दे व्हाई द ड्यूरेशन एक्शन इन रिलीज। अभी आप लोग को बातें समझ में शायद नहीं आएंगी, अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा टैबलेट या फिर कैप्सूल है, अब इसमें छोटे छोटे पॉलीमर के यहाँ पे पैकेट बना के पैक हैं, दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है, जैसे पॉलीमर के छोटे छोटे पैकेट में इसको क्या कर दिया गया है, ये पैक कर दिया गया है, ठीक, यहाँ पे। अब इसमें 24 पैकेट हैं, ठीक, और ये कहा गया है कि ये दवा आप लोग को 24 घंटे में केवल एक बार खाना है। 24 घंटे का मतलब इसमें से एक एक पैकेट रिलीज होंगे धीरे धीरे, और एक एक घंटे में रिलीज होंगे, और 24 घंटे तक अपना क्या करेंगे, असर दिखाते रहेंगे, यही हमारा होता है डिलेड रिलीज, ठीक। अब दूसरा बात करते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, दूसरा हमारा है सस्टेन रिलीज। अब इसमें क्या होता है,
सस्टेन रिलीज क्या होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम ऐसे दवा को बनाते हैं कुछ स्पेशल टाइप से, स्पेशल द्वारा हम इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। किसके साथ मॉडिफाई करते हैं? पॉलीमर कोटिंग के साथ। और ये जो होते हैं डिसइंटीग्रेस होते हैं, इंक्रीज इसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे मैनर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और इसका जो एक्शन होता है बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इन दिस टेक्नोलॉजी वी मेक ए ड्रग विच इज स्पेशल मॉडिफाइड विद द पॉलीमर कोटिंग एंड देयर डिसइंटीग्रेशन टाइम इज इंक्रीज। और यहाँ इनके जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सो दे रिलीज इन वेरी स्लो मैनर। और ये धीरे धीरे करके रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, और इसका एक्शन जो होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। यही होता है दोस्तों हमारा सस्टेन रिलीज। अब बात करते हैं साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। तो साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग क्या होता है? इस टेक्निक में हम लोग यूज करते हैं पार्टिकुलर साइट और पार्टिकुलर आर्गन, जैसे कि हमारे कैंसर हो गए, टीबी हो गए, उसके बाद पेनक्रियाटिक और डायबिटीज ईटीसी, ये सब बीमारी में ये क्या होते हैं, साइट आप स्पेसिफिक टारगेटिंग का यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है फास्ट डिजॉल्विंग आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फास्ट डिजॉल्विंग का मतलब क्या होता है? दिस ड्रग विच आर हाईली या फिर फास्ट डिजॉल्व टेबलेट, ऐसे टेबलेट जो कि हमने तुरंत खाया और तुरंत धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। एंड देयर डिसइंटीग्रेटिंग टाइम इज लेस, मतलब ये तुरंत डिजॉल्व हो गया, तो जब तक डिजॉल्व होगा तो एक घंटे तक का टाइम रहेगा उसका, तो एक घंटे तक अपना असर दिखाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। दे आर च्यूबल एंड दे आर आफ्टर च्यूइंग डिजॉल्व इन टू द सलाइवा ऑफ द माउथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग शॉर्ट फ्रॉम द माउथ। ये एक ऐसे दवा होते हैं जो कि हमारे अंदर जाएंगे और तुरंत डिजॉल्व हो जाएंगे, और डिजॉल्व होंगे उतने देर तक अपना असर दिखाएंगे, उसके बाद एक्शन इसका, मतलब इसका एक्शन जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट डिफिनीशन जो है वो है कंट्रोल रिलीज। अब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, अभी तुरंत बताया हूँ कि इसमें दो टाइप होते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड पीरियड टाइम। ठीक, प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम यही इसमें इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड द ड्रग डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम द विच ड्रग इज डिलीवर, जो कि ड्रग डिलीवर होता है हमारा प्री डिटरमाइंड रेट फॉर द प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ द टाइम, यही हमारा होता है कंट्रोल रिलीज। उसके बाद एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है दोस्तों? व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ग्रेटर देन एलिमिनेशन इज नोन एज एक्सटेंडेड रिलीज। ये हो गया। रिसेप्टर टारगेटिंग क्या होता है? इन सच सिस्टम द टारगेट इज पार्टिकुलर रिसेप्टर विच इज आर्गन या फिर टिश्यू, जो कि आर्गन विच इन द आर्गन या फिर टिश्यू हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो एडवांटेज बहुत सारे इनके होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट हो गए, उसके बाद रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट हो गए, इंप्रूव होता है एफिशिएंसी इन द ट्रीटमेंट, एलिमिनेट ओवरडोजिंग या फिर अंडरडोजिंग हो गए, लेस डोजिंग एंड इंक्रीज होता है पेशेंट कंप्लेंस, उसके बाद मेंटेनेंस होता है आप ड्रग लेवल विद इन द डिजायर रेंज। अब बहुत सारे चीज़ों की, मतलब सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, तो इनके भी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है इसका डिसएडवांटेज, डंपिंग इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ CDDS, पुअर इन वीवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन, डिफिकल्ट ऑफ ऑप्टिमाइज एक्यूरेट डोज एंड डोजिंग इन्वेंट्रल, पेशेंट वेरिएबिलिटी अफेक्ट द रिलीज रेट एंड GI इम्पटिंग रेट एंड रेसिड्यूशनल टाइम फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग कंडीशन। ये कुछ इनके हो गए डिसएडवांटेज और ये कुछ इनके हो गए एडवांटेज। CDDS का मतलब होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आपको भूलना नहीं है। अब हम दोस्तों आप लोग का अगला टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो आपके इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 7 से लेकर के 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे बीच में नहीं बनेगा, 7 नंबर का बनेगा या फिर 10 नंबर का बनेगा, इसके बीच में नहीं बनेगा कि केवल 2 नंबर का बन जाए, 3 नंबर का, 2 नंबर का बन जाए, 2 नंबर का बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 7 से 10 नंबर के बन सकते हैं। अब कौन सा टॉपिक है जो कि 7 से 10 नंबर का बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये टॉपिक है आपका जो कि 7 से 10 नंबर का बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन एंड एक्ट ऑफ द कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली दो फैक्टर, दो प्रॉपर्टीज होते हैं हमारा। सबसे पहला हो गया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हमारा हो गया बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारे हमारे
प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे क्या क्या आते हैं, एक्वस सॉल्युबिलिटी हो गया, पार्टिशन कोफिशियंट हो गया, ड्रग पीकेए हो गया, उसके बाद ड्रग स्टेबिलिटी हो गया, मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट हो गया, और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा हो गया प्रोटीन बाइंडिंग। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों हमारे आते हैं एब्जॉर्प्शन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एलिमिनेशन हो गए, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो गए, डोज साइज हो गए, थेराप्यूटिक विंडोज हो गए, पेशेंट फिजियोलॉजी हो गए। अब अगर आपके एग्जामिनेशन में ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आ गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन बन के आ गया है, तो क्या आप ऐसे बस लिख के छोड़ देंगे? नहीं, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इन सभी के बारे में दो दो चार चार लाइन एक्सप्लेन कर देना है कि एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, पार्टिशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, ड्रग पीकेए क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस क्या होते हैं दिखाते हुए समझाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्वा सॉल्युबिलिटी। अब एक्वा सॉल्युबिलिटी के मोस्टली जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड या और वीक बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। एंड देयर एक्वा सॉल्युबिलिटी और उनकी एक्वा सॉल्युबिलिटी जो होते हैं क्या होते हैं, लो होते हैं। फॉर द सेंट्रल रिलीज प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हाईली एक्वा सॉल्युबिलिटी या ड्रग दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्युबिलिटी, ठीक। पार्टिशन कोफिशियंट क्या होते हैं? अब पार्टिशन कोफिशियंट के बारे में बहुत पहले से ही आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। ये आपको ये भी याद हो गया होगा इसका फार्मूला, पार्टिशन कोफिशियंट डिसाइड करता है द नेचर ऑफ द ड्रग, ड्रग के नेचर को क्या करता है ये डिसाइड करता है, आइदर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर का है या फिर लिपोफिलिक ड्रग है, ठीक। पार्टिशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन रेट ऑफ आयनाइज्ड ड्रग, कंसंट्रेशन रेट ऑफ आयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है दो फेज में, ठीक, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, इनके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, ड्रग पीकेए। तो ड्रग पीकेए जो होता है ये वैल्यू हमारा डिसाइड किया जाता है आयनाइज कंस्टेंट ऑफ एनी ड्रग, दी हायर आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ द ड्रग, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं व्हेन द ड्रग इज मोर आयनिक, जब ड्रग हमारा ज़्यादा आयनिक है, देयर एब्जॉर्प्शन स्लो, तब उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो स्लो होगा एंड डाइल्यूशन जो होगा उसका क्या होगा, वो हाई होगा। व्हेन ड्रग इज नॉन आयनिक, जब हमारा ड्रग नॉन आयनिक होता है तब उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है, और उसका डाइल्यूशन क्या होता है, लो होता है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ड्रग आर द एंजाइमेटिक जो होते हैं, मोस्टली ड्रग क्या होते हैं वो स्टेबल होते हैं और क्या होते हैं, टोलरेट होते हैं एंजाइमेटिक एसिड और बेसिक में, बिहेवियर इनसाइडर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्या है, मॉलिकुलर साइज एंड वेट। मॉलिकुलर साइज एंड वेट क्या होते हैं, देखिए द मॉलिकुलर साइज एंड मॉलिकुलर वेट अफेक्ट करता है डिफ्यूजन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड द मॉलिकुलर साइज लेस होते हैं, किस कितने लेस होते हैं, 400 डाल्टन इज द इजली डिफ्यूज बट ग्रेटर देन 400 डाल्टन क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक। ये हमारे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को भी क्रिएट करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है प्रोटॉन बाइंडिंग। प्रोटॉन बाइंडिंग क्या होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है ये इसेंशियल होते हैं फॉर द फैक्टर ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइनिंग ऑफ द ड्रग, ठीक। प्रोटीन बाइंडिंग का काम क्या होता है, बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस इसमें क्या होता है, ये डिजाइन करता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, अब बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या लिखेंगे, ऐसा ड्रग जो कि हम लोग खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, हाई होते हैं, जाते हैं हमारे अंदर डिजॉल्व होते हैं, वो ड्रग जो होते हैं गुड होते हैं किसके लिए, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। दिस एब्जॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये जो होते हैं इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी पर। और एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, मोस्टली ड्रग जो होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेसिक नेचर के होते हैं। अभी आप लोग को यहाँ पे तुरंत बताया है एक्वस सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक, वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है एब्जॉर्प्शन में हमारा, कि आप लोग को बताया कि देखिए ड्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। एंड दिस एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा ड्रग किस नेचर का है, वीक एसिड नेचर का है या फिर वीक बेसिक नेचर का है, ठीक। वो हमारा होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड पार्टिशन कोफिशिएंट ड्रग पीए के पीकेए एंड मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग,
ये एब्जॉर्प्शन हो गया। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक से दो बार पढ़ेंगे तो नहीं कंफ्यूजन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बायोलॉजिकल फैक्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इनटू द डिफरेंट रिसेप्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हेल्प से क्या होते हैं, डिफरेंट इनके फैक्टर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होना अलग अलग, ठीक। उसी तरीके से हमारा एलिमिनेशन होते हैं, सम ड्रग एक्युमुलेट इन दी आर्गन लाइक लीवर हो गए, पैनक्रियाज, ईटीसी। इन सच केस सीडीडीएस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्ले होते हैं मेजर रोल एंड प्रिवेंट एक्युमुलेशन। उसके बाद बायोलॉजिकल हाल्फ लाइफ क्या होता है, अभी आप लोग को जाना नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को अभी डिस्कस करना है, जो कि ये भी 7 से 10 नंबर के बन जाते हैं। क्या है, दिखा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये आप लोग को टोटल डिटेल बात करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। तो चलिए, बायोलॉजिकल हाल्फ लाइफ, दी ड्रग विच हैव दी हाई बायोलॉजिकल हाल्फ लाइफ, वह ड्रग जिसका क्या होते हैं बायोलॉजिकल हाल्फ लाइफ हाई होते हैं, मोर देन 12 घंटे से भी ज़्यादा होते हैं, वो गुड एजेंट होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डिजाइनिंग के लिए। डोज साइज क्या होते हैं, अब देखिए, दी डोज साइज शुड बी हाई फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय तक जो चले वो हमारा डोज साइज होता है कि इतने टाइम तक ये चलेगा, ठीक। जैसे 24 घंटे के लिए है, एक हफ्ते के लिए है, वही हमारा डोज साइज सबके अलग अलग होते हैं। थेरापोटिक विंडो क्या होते हैं, थेरापोटिक विंडो शुड बी लार्जर इन द साइज फॉर द गुड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग, इफ द थेरापोटिक विंडो इज नैरो आर नॉट सूटेबल फॉर द CDDS। ये थेरापोटिक विंडो इसका कम रहेगा तो ये सूटेबल नहीं रहेगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। एब्जॉर्प्शन विंडो इसी तरीके से लिख लेना है आप लोग को, और पेशेंट फिजियोलॉजी लिख लेना है, ठीक। इसी तरीके से बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अब हम लोग, क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, हमारा सबसे पहला हो गया डाई सॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, दूसरा हमारा हो गया डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमारे दो होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट है बायो इरोडाइबल एंड कम्बिनेशन ऑफ डाई सॉल्यूशन एंड डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑस्मेटिकली कंट्रोल सिस्टम, आयन एक्सचेंज सिस्टम, उसके बाद पीएच इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन, उसके बाद हमारा है अल्टर डेंसिटी अप्रोच, हाई डेंसिटी होता है और एक होता है लो डेंसिटी होता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में भी। पहला पॉइंट हमारा क्या है, डायल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डायल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व होना। अब कोई ड्रग हमने खाया तो ये ड्रग हमारे यहाँ पे देखिए खाएं और स्टमक से होते हुए ये कहाँ जाके डिजॉल्व होगा, हमारे ब्लड में, यही हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो वही चीज़ हमें लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस विच ड्रग इज पार्टिकल डिजॉल्व होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में जा करके, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। इफ द रेट डाइल्यूशन इज हाई, जब डाइल्यूशन का रेट हाई हो जाता है, देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ऑनसेट एक्शन हाई, तब उसका एक्शन एंड आंसेट एक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी स्मॉल, मतलब उसका एक्शन दिखाने का टाइम 7 दिन तक रहेगा, तो वो 24 घंटे ही तक अपना असर दिखाएगा क्योंकि हाईली डिजॉल्व हो गया वो, ठीक। बट मेन फोकस रहता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के मेकिंग पर, द रेट ऑफ डाई सॉल्यूशन शुड बी डिक्रीज लो, द रेट ऑफ ड्रग डाइल्यूशन कैन बी डिक्रीज बाय द डिफरेंट अप्रोच। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखना जरूरी होता है, वी कैन यूज बाय द साल्ट अप्रोच बाय कोटिंग ऑफ द ड्रग, कोटिंग करके बनाया जाता है जिससे वो थोड़े लंबे समय तक आसान तरीके से रहे। कोटिंग क्यों किया जाता है, कोटिंग किया जैसे है कोई भी दवा, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं जैसे खाते ही तुरंत वोमिटिंग हो जाता है, वो आप लोग 5th सेमेस्टर में ही कोटिंग पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा बताना नहीं है। कोटिंग कर दिया जाता है, शुगर कोटिंग कर दिया जाता है जिससे उसका टेस्ट चेंज हो जाए, आप आसानी से खा लें, ठीक। कुछ एग्जाम्पल इनके आसान तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारा क्या होते हैं डाइल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स टाइप और दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन टाइप।
अब मैट्रिक्स टाइप क्या होते हैं, देखिए मैट्रिक्स के टाइप के बारे में भी दिए गए हैं आसान तरीके से। इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, इनके बारे में भी दिए गए हैं। बस वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा हमारा है डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, डिफ्यूजन इज ए जनरल मैकेनिज्म प्रिंसिपल। डिफ्यूजन जो होता है एक जनरल मैकेनिज्म प्रिंसिपल होते हैं विच द मूवमेंट ऑफ ड्रग, जो कि ड्रग हमारा मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, या फिर एक्रॉस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक, इनके बारे में दो तीन पॉइंट आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको लिख करके सबके बारे में ये ज़रूर लिख लेना इनके क्या होते हैं। और डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल सिस्टम, दूसरा होता है मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक, तो रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में द होल ड्रग मॉलिक्यूल कवर्ड होते हैं किसके साथ, इनर्ट पॉलीमर के साथ। ठीक, मैट्रिक्स सिस्टम क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम होल ड्रग वो फिल नहीं होते हैं सेम प्लेस में, बट दे आर डिस्ट्रीब्यूट इन द स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, और ये लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में, एंड ईच ड्रग आर कवर्ड विद द पॉलीमर्स। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ड्रग जो है वो छोटे छोटे करके हैं, लेकिन वो छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे करके पॉलीमर के पैकेट में ये क्या किए गए हैं, फिल किए गए हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो होते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन प्रत्येक ड्रग जो है वो कवर किया गया है पॉलीमर के साथ। ठीक, उसके बाद बायो इरिडेबल सिस्टम तीसरा हमारा, ये क्या होते हैं, दिस सिस्टम इंक्लूड बोथ डिफ्यूजन एंड डाइसॉल्यूशन कंट्रोल एंड द ड्रग कवर्ड विद द पॉलीमर विद द स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमर बायो इरिडेबल इन द नेचर। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में कन्फ्यूजन हुआ है तो आप लोग देख लेना, बायो इरिडेबल, ठीक, इन द नेचर। नेक्स्ट एंड हमारा चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है ऑसमेटिकली कंट्रोल सिस्टम। और पांचवा हमारा है, ये देख लीजिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है, ड्रग जो होता है मिक्स होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और ये जो होता है हमारा कवर्ड होते हैं सॉलिड फॉर्म में, एंड दे आर कोट, और ये कोटेड होते हैं किसके साथ, स्पेशल पॉलीमर के साथ, जो कि बिहेव करते हैं लाइक SPM। विच व्हेन ड्रग इज गिवन, जब हम ड्रग को देते हैं एंड आफ्टर गोइंग इनटू द बॉडी, और हमारे बॉडी में जाने के बाद ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं वाटर एंड फ्लूड में, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब होने के बाद फ्लूड जो होता है ड्रग इलेक्ट्रोलाइट एंड डिजॉर्ब होता है और कवर्ड होते हैं इनटू द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर कवरिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द मेम्ब्रेन इज हाई अक्रॉस मेम्ब्रेन इज लो। नेक्स्ट एंड लास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख के एक से दो बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, आयन एक्सचेंज मेथड, इस मेथड में बेसिकली रीजन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं, रेजिन्स होते हैं, रेजिन आर कम्बाइंड विद द रेजिन, जो होते हैं कम्बाइंड होते हैं किसके साथ, ड्रग मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर गोइंग इनटू द सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। रेजिन रिप्लेस होता है किसके साथ, आयन एंड ड्रग, सो एंड देयर एक्शन। ये टोटल हम लोग का इतना पार्ट हो गया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद फैक्टर क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल ड्रग, सब कुछ बात कर लिया। अब आप लोग का केवल यूनिट फर्स्ट में बचा हुआ है पॉलीमर। पॉलीमर को बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। वैसे नोट्स PDF आप लोग को बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।